धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपरे अपारे। धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपरे अपारे। बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपारे। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपारे। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी मैं माया परे अपार। तेरी मैं माया परे अपार। तेरी मैं माया परे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी मैं माया परे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी मैं माया परे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी मैं माया परे अपार। चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। जेको अपनी शोभा लोरे साध सांगे हमें शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे। जिस जान को प्रभ दर्श प्यासा। जिस जान को प्रभ दर्श प्यासा। नानक तांके बाल बाल जासा। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। जिस वखर को लैण तू आया। जिस वखर को लैण तू आया। राम नाम संतन कर पाया। ताजब मान लेहो मन मोल। ताजब मान लेहो मन मोल। राम नाम हृदय में तोल। कबीर सेवा को दोए पले एक संत कराम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। धन धन बाबा बुड्ढा जी तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी महिमा अपरे अपार। तेरी
अपर अपार धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार मान योग सत्कार योग गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा जी प्यारे सत्संगी जनों वड़भागा समा गुरु साहब दे ते गुरु साहब दे वरसाए हुए महापुरखां दे ब्रह्म ज्ञानियां दे गुण गाउण दा प्राप्त होया। ब्रह्म ज्ञानी महापुरख धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज जिन्हां दा पहला नाम सी भाई बूड़ा मझियां चारिया करदे खेतां विच जंगल बीया बाण दा इलाका रावी दे किनारे मझियां चारदे धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह दे नाल पूर्वले कर्मां करके मिलाप हो गया। जदों मिलाप होया भाई बूड़े ने नमस्कार कीती मत्था टेकिया ते महाराज नूं दुध छकाया दुध छकाया साध संगत जी हुण महाराज दे कोल बैठ के बड़ियां प्यार दियां गल्लां जिवें सियाने लोक करदे ने ते महाराज पुछदे ने बूड़िया तेरी उमरा बड़ी छोटी है ते ए तैनू इन्ना ज्ञान किवें आ। बाबा मौत तो डर लगदा है मौत दा भय आ ते जिहनूं मौत चेते उहनूं रब चेते। बूड़िया इन्नी छोटी उमरा च मौत दा ज्ञान किवें। महाराज एक दिन मेरी मां रोटियां पकाउंदी है कहिंदी बूड़िया अग बाल रोटी नहीं पकदी। बूड़िया अग बाल। महाराज मैं वड्डियां वड्डियां लकड़ियां लावां अग बले ना बड़ियां फूकां मारियां। मां कहिंदी बूड़िया वड्डियां नहीं मचदियां छोटियां छोटियां लकड़ां ला। सतगुरु जदों मैं छोटियां छोटियां लकड़ियां लाइयां अग उसे वेले बल उठी। मेरे मन विच बराग हो गया बूढ़िया जरूरी तो नहीं बुढ़े होके ही मरना आ वेख वड्डियां लकड़ां तो पहला छोटियां दी वारी आ गई। हो सकदा है रब पहला ही बुला लवे बचपने विच जां जवानी विच। महाराज इस वास्ते मौत दे भय तो मैनू परमेशर वाहिगुरू काल पुरख याद रहिंदा है। महाराज कहन लगे तू बूढ़ा नहीं तू ते बुढ़ा है बुढ़ियां वालियां सियाणियां गल्लां करदा। गुरु नानक साहब दे बचनां दा ऐसा असर होया गुरु नानक दी संगत मिल गई। बाबे नानक दी संगत बाबा बुढ़ा जी नूं मिली संगत करदे रहे गुरु घर दी सेवा करदे रहे। समा आ गया गुरु अंगद साहिब महाराज दा बड़ी सेवा कीती। समा आया गुरु अमरदास पातशाह दा बड़ी सेवा कीती। समा आया गुरु रामदास पातशाह दा बड़ी सेवा कीती। समा आया धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा बड़ी सेवा कीती। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज हरिमंदर साहिब दी सेवा मुकम्मल हो गई। साध संगत जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा पहले दिन प्रकाश करना है जो इस साल विच 400 साल पूरे हो जाने ने सितंबर दे महीने जुलाई चल रहा है। तो साध संगत जी 400 साल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दा ही पहला प्रकाश दिवस नहीं साध संगत जी ग्रंथी दिवस भी 400 साल ही है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तुसीं पुछोगे ओह किवें जे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा 400 साल पहला प्रकाश दिवस है ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा बुढ़ा जी ओ पहले हड ग्रंथी सन हरिमंदर साहिब दे इसलिए ग्रंथी दिवस भी ते 400 साल है ना। तो बाबा बुढ़ा जी पहले हड ग्रंथी थापे गए गुरु साहब की सेवा। समा आया बाबे दी बीड़ जाके मझियां चार दे खेती कर दे गुरु घर की सेवा। इधर
धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाणी विच लिखिया है, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, जे तू चार पदार्थ लेने सेवा कर ले संतां दी, सेवा कर ले संतां दी, कर ले संतां दी, सेवा कर ले संतां दी, तू सेवा कर ले संतां दी, 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 जे तू चार पदार्थ लोड़दा सेवा कर ले साधुआं दी, जे तू चार पदार्थ लोड़दा सेवा कर ले साधुआं दी, जे तू चार पदार्थ लोड़दा सेवा कर ले साधुआं दी, जे तू चार पदार्थ लोड़दा सेवा कर ले साधुआं दी, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रिदे सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरे साध सांगे हमें छोरे। महाराज कहंदे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरणी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांके बल बल जासा। महाराज कहंदे ये क्या ही नहीं, महाराज ने प्रैक्टिकल करके विखाया। महाराज कहंदे जे तां तू दुनियावी पदार्थ लैणे ने, लोग परलोक दे सुख तामी महापुरखां दी सेवा संगत चो मिलणगे, ते जे तों दरगाही दात लैणी है, जिस वखर को लैण तूं आया ते कित्थों मिलेगी, राम नाम संतन घर पाया, ओह भी महापुरखां कोलों महात्मा साधु जना कोलों। ते महाराज उत्थे की देवां, कहिंदे होर कुछ नहीं मंगदे, माण अहंकार आउदे बाहर छड के आ जाईं गुरु दरबार चों, साधुआं दे दर ते जाए ते आओ दे बाहर छड के आवी, ताज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल। तो गुरु अर्जन देव जी ने रस्ता दस दिता भी दरगाही दाता भी ते दुनियावी दाता भी, यह महापुरखां तो मिलन गियां। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी, संतां नूं कुंजी दे दित्ती है ते जंदरा खुलेगा ते वह खोलणगे, तू संगत कर सेवा कर, क्या ही नहीं प्रैक्टिकल करके विखाया। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे महल माता गंगा जी बेनती करते ने, सच्चे पातशाह पुत्र की दात बख्शो, लोगों नूं दात दित्ती जांदे हो। कहन लगे गंगा ये गुरु नानक का दर है, ये संगत आउंदियां शरदा नाल सेवा सिमरन करदियां, ते गुरु घर दियां दातां ये संगतां वास्ते ने, आपां झाड़ू बरदार हाँ, ये घर विच इस्तेमाल नहीं करना इन्हां दातां दा। वार वार बेनती, ते एक दिन माता गंगा जी की वेखदे ने, की सुनदे ने कि गुरु अर्जन देव महाराज दा वड्डा भरा पृथ्वी चंद उहदे घर वाली करमो, वह बड़े ताने मेहने मारदी है, बड़े ताने मेहने मारदी है, इथों तक के माता गंगा जी एक दिन अपनी सेवादारनी नौकरानी उन्हों कहन लगे, भाई आ कुछ गुरु घर दे गलीचे ने विछाइया, इन्हां नूं उपर सुकणे पाया महिलां ते, ते जद पिरथी चंद दे घर वाली की नज़र पई सड़बल के कोला हो गई, कहन लगी पिरथी चंद नूं जे तुसीं गुरु रामदास पिता का हुक्म मनदे ते अज सारे पदार्थ अपने घर होने सी,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧੋਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਤੇ ਔਂਤਰੀ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ। ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ
सवेरे तैयारी की, 36 तरह के पकवान तैयार किए, रथां ते सवार होके हार शिंगार करके नाल सेवादारां नूं लै करके माता जी चल पए। धूड़ बड़ी उड़दी है, रथां दे नाल घुंगरुआं दी आवाज़ आउंदी है जो बैलां दे पैरां नाल बन्ने होए ने। ते बाबा बुढ़ा जी कहन लगे सेवकां नूं भी बड़ी धूड़ उड़दी है, ये की गल है भाई, पता करो। धूड़ उड़दी आउंदी है, सुख ते है। पता कीता, आके दस्या बाबा जी गुरु साहब दे महल आ रहे ने। ते बाबा जी दे मुखों सह सुभाए बचन निकलिया, गुरु कहण नूं किधर दियां भाजणा पै गईयां। गज के आखो सतनाम। माता जी आए छत्ती पदार्थ लेके, बाबा जी भोजन छक लो। कहिंदे मैनूं ते माता जी भुख ही नहीं लगी। माता जी कहन लगे जी गुरु साहब ने भेजिया पुत्र दी दात बख्श। माता की हो गया तैनूं? ओह मैं गुरु नानक दे दर दा इक निमाणा जिहा सिख, घा खोतन वाला, पशु चारन वाला, ये दात गुरु साहब तो जाके मंगो। माता जी मैनूं शर्मिंदा ना करो। माता जी वापस चले गए निराश होके। तो बचन सी ना जिहड़ा गुरु कहिआ नूं किधर दियां भाजणा पै गईआं, वह बचन पूरा होया जदों बीबी वीरो दा व्याह सी। मठियाईआं बणीआं रहि गईआं, मुगलां ने खाधियां। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तो साध संगत जी, बाबा बुढ़ा जी बिरथे ना जांदे ने संतान दे बोल प्यारे, 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 बिरथे ना जांदे ने 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 संतान दे बोल प्यारे। महापुरख दा बचन साध बचन अटलादा, साधु बोले सहज सुभाए, साधु दा बोलिया बिरथा ना जाए, क्योंकि प्रभु जी बसे साध की रसना। बाबा बुढ़ा जी दे बोल, माता जी निराश होके वापस चले गए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल जाके बड़ा वरलाप कीता। गुरु साहब कहंदे ने गंगा की गल है महाराज, तुसी पुज्या सी बाबा बुढ़ा जी कोल, उन्हां ने तां जवाब दे दिता। गंगा जी किवें गए सी महाराज, जाना किवें सी, 36 तरह के पकवान लेके गए, रथां ते सवार होके गए। गंगा तैनू जान दी मर्यादा ने, जिहड़ा मंगण जाए की हुंदा है जी मंगता। कहिंदे तू ते फिर दाती बन के गई गोलियां नू नाल लेके, 36 तरह के भोजन जी, बाबा जी ने तो भोजन ही नहीं छकिया। गंगा प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे, प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे, प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे, प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे, प्यार
भुखे ना पदार्थां दे प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे 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 नहीं पदार्थां दे ना पदार्थां दे भुखे ना पदार्थां दे ना पदार्थां दे भुखे ना पदार्थां दे साधु प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे प्यार दे भुखे ने साधु भुखे ना पदार्थां दे साधु पदार्थां दे भुखे नहीं प्यार दे भुखे ने ते गंगा जी तुहानू मर्यादा नाल जाना ही नहीं आया महाराज फिर तुसी कृपा करके समझाओ कि साध संगत जी गौर करियो हुण गुरु अर्जन देव जी मर्यादा दस रहे ने गंगा जी भुख किसे नूं लगी पानी कोई पी जाए वाहेगुरु भुख किसे नूं लगी रोटी कोई खा जाए प्यास किसे नूं लगी पानी कोई पी जाए ये बचन बाबा आनंद सिंह जी कलेरां वाले महापुर कर दे भलिया जिन्हों भुख है ओही रोटी खावे जिन्हों प्यास ओही पानी तैनू लोड़ है अरदास तू कर दूजियां तो क्यों करवाउणा सेवा तू कर अर गुरु अर्जन देव जी मर्यादा दसदे ने समझाउंदे गंगा अमृत वेले उठियो पै रात रहिंदी केसी शनान करियो सादे और सुचे वस्त्र पाके मुंह अगे पल्ला लए नाम जपदे जपदे चक्की दे विच कुछ छोले कुछ कणक मिस्सा आटा तैयार करो जाप करदे करदे बाणी दा फिर दुध रिड़को जाप कर दे मक्खन कड्डो लस्सी तैयार करो नाम जपदे प्रशादा पकाओ चार गंडा लस्सी मक्खन मिस्से प्रशादे जो जट्टां दा खाना हुंदा जिमीदार लोकां दा ते नाम जपदे नंगे चरनी कल्ले ही जाओ धन गुरु अर्जन देव जी मर्यादा दस रहे ने साधुआं कोल जाना किवें कहंदे कि सेठ दे घर पुत्र ना होवे ते माया बड़ी सी हुण माया की करनी है ते सेठ ने लंगर ला दिता बड़े मेरे वर्गे चोलियां ले आउण खाई जान अरदासां कर तुरी जान नारद भी आया मात लोक दी धरती ते सेठ दे घर आया प्रशादा पानी छकिया ते सेठ ते सठाणी नूं कहिंदा मंगो की मंगदे हो उह कहिंदे पुत्तर दी इच्छा है कहना मैं भगवान को जाके बेनती करांगा भगवान को गया भगवान एक सेठ नो दस साल हो गए लंगर लाए नो वो पुत्र चाहुंदा है भगवान ने नेत्र बंद किते खोले नारदा ओदे घर इस जन्म की इन्ने कर्म माड़े सत जन्म पुत्र नहीं होना जिन्हें मर्जी लंगर लावे नारद वापस आ गया जवाब दे दिता सेठ जी तुहाडे कर्मां च पुत्तर नहीं लंगर लाओ ते भावें बंद कर दो कहिंदे चलो माया बिन सुनहारी है इहनूं धर्म लेखे लाईए समां बीतिया इक महापुरख आ गए नेत्रां तों दिसदा नहीं खूंडी फड़ी होई है नगरी विच आ गए आवाज आउंदी है पुछदे ने किसे नूं भी आवाज कहंदे भी इत्थे सेठ ने लंगर लाया ओदे बच्चा नहीं दस साल पूरे हो गए ग्यारहवां शुरू है लंगर चल दे ते महापुरख
अपनी रजा आनंद विच आए तुरे जांदे ने सेड़ दे बूहे मूहरे लंघदे ते नाले पढ़दे ने। जे कोई अज प्रसाद छकावे प्रसाद छकावे मुंह मंगियां दातां लै लवे अज प्रसाद छकावे मुंह मंगियां दातां लै लवे छकावे मोह मंगियां दातां ले लवे जे कोई अज प्रसाद छकावे मोह मंगियां दातां ले लवे किसी ने सुनिया ते सेठ सठाणी नूं दस्या घर ले आए प्रसाद पानी छकाया महापुर कहिंदे ने मंगो अरदास करिए परमेश्वर अगे कहिंदे बाबा जी मंगना की है अगे बड़े आए ते चले गए हुण ते भगवान ने भी नारद राही जवाब भेज दिता है महापुर कहिंदे ने फिर भी सानू किन्ने प्रसादे छकाए बाबा जी आप जी ने चार प्रसादे छके ते महापुरखा ने खबरे की अरदास कीती ते वचन कीता तुहाडे घर चार पुत्र होणगे गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी समाया चार पुत्र होए कदी फिर नारद जी आए हुण जाईदा उत्थे जिथे जान पहचान होवे सेड़ दे घर गए सेड़ दे घर वाली ने नमस्कार कीती भोजन पानी तैयार कीता हुण बच्चे वड्डे हो चुके सी बच्चियां नूं कहा नमस्कार करो नारद जी नूं नाले भोजन छकाओ। नारद जी पुछदे ने सेड़ दे घर वाली नूं जी ये बच्चे किन्हां दे कहिंदे जी ये बच्चे अपने ही ने नहीं तुहाडे गवांढियां दे जां रिश्तेदारां दे नहीं जी अपने ही अपने किवें तुहाडे अपने हाँ जी साढ़े अपने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੱਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ ਸਾਧ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 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 ਵਿਰਲੇ ਜਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਿਆ ਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪੁਰਨਾ
ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਕਣਾ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਨਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇ ਵੱਧ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕਾਂ ਆ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਨਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਹ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰਦ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਇੱਧਰ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਅਨਿਆਈ ਮਾਤੇ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਟਿਆ ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਆ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ ਨਾਰਦਾ ਨਾਰਦ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂਕਾ ਕਹੇ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਘਰਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸੁੱਚੇ ਸਾਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਣ ਕੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਛੋਲੇ ਕੁਝ ਕਣਕ ਮਿਕਸ ਮਿੱਸਾ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਅੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਲਿਆ ਗੰਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੰਗੀ ਚਰਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ
एक मां पुरख की सेवा ले, साधु की सेवा ले, खुशी लैन वास्ते पहुंच गए अगों बाबा बुढ़ा जी। सवेर दे कह रहे ने भी भुख बड़ी लगी, सेवादार कहंदे जी प्रशादे का प्रबंध करिए, कहंदे नहीं। माता जी नूं वेख के हाल रोक दिता, अगों दी गए सीस तो प्रशादा लवाया। पुत्रां दा फिक्र ते मावां नहीं हुंदा ना, मैनूं भुख लगी सी डाडी, आ मेरी मां नूं फिक्र। प्रशादा लवाया, थले रखिया, बह गए खेत दे विच, माता जी भी बह गए कोल। जद खोलिया प्रशादा, मिस्से प्रशादे, गंडा, लस्सी, अचार, मक्खन। माता जी आए नंगे चरणी भावना नाल, ते बाबा जी हुण जिमीदार की करदा, पहला गंडा भन्नदा, मारी मुक्की ते गंडा भन्निया, ते गंडे दे विच्चों फाली दूर जाके डिगी एक टुकड़ा। माता जी बैठे ने हाथ जोड़ के, बाबा जी वचन करी जांदे ने, माता जी तेरे घर एक बड़ी बली योदा सूरमा पुत्र पैदा होगा। आ जिवें मैं गंडा भन्निया है ना, वो जालमां दे सिर भन्निया करेगा। बाबा जी नाले गंडा भन्नी जांदे, नाले वरदान वर दे ही जांदे ने। प्रशादा बड़े प्यार नाल छकिया, माता जी बर्तन लेके वापस आ गए। ते समा आया तन माता गंगा जी दी कुखों गुरु अर्जन देव महाराज दे ग्रह विखे ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा बुढ़ा जी दे बचना नाल छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब का अवतार हो गया। धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपरअपार, 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 तेरी महिमा अपरअपार, तेरी महिमा अपरअपार, धन धन बाबा बुढ़ा जी 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 तेरी महिमा अपरअपार, धन ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा बुढ़ा साहब जी दे बचन सत होए। जदों छेवें पातशाह महाराज का अवतार होया, फिर धन गुरु छेवें पातशाह की संगत की बाबा बुढ़ा जी ने। जदों काल तख्त साहब की रचना हुई है, साध संगत जी छेवें पातशाह महाराज इट्टां लाउंदे ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी इट्टां चूना पकड़ाउंदे महाराज नूं, ते भाई गुरदास जी तैयार करदे चूना वगैरा, गारा वगैरा कह लो। अकाल तख्त साहब की रचना जदों होई है सुप्रीम पावर दी, जिथे छेवें पातशाह दे हस्तकम लगे ने, उथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा बुढ़ा जी दे ते वेद व्यास भाई गुरदास जी दे भी हस्तकम लगे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी ने वचन किया, बाबा पुत्रां दा दानी खवाएगा, पुत्रां दा दानी। सच जाने प्यारी साध संगत, सच जाने अज भी श्रद्धा दे नाल, यह बड़िया बीतियां ने दास दे सामने, देशां विदेशां तो जदों संगत ने इस कूकर नूं कहना कोई ऐसा वचन
ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿੱਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਗੰਢਾ ਲੱਸੀ ਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੰਢਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਢਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਸੀ ਕੁਝ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਿਆ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਨੀ ਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਲੇ ਜੇ ਝੱਲੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਈਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਦਾ ਫਿਰ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਪਾ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲਿਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਵਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਧੰਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਖਾਲੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਲੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ।
बाबा बुढ़ा साहब जी, धन बाबा बुढ़ा साहब जी, धन बाबा बुढ़ा साहब जी, धन 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 धन बाबा बुढ़ा साहब जी, तेरे दर तो जावे ना कोई खाली, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, जेड़ा बन के आ गया सवाली, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, तेरे दर तो गया ना बाबा बुढ़ा साहब जी, तुसी धन धन धन, क्योंकि अपना गुरु कौन है, सात संगत अपना गुरु है, अज धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह, कमाल दी बात है, धन बाबा बुढ़ा जी। अरे सिखां दे विचों जिन्हां ने गुरु नानक दी संगत कीती, ओह कहिंदे सी वी भाई लैणा गुरु अंगद देव, ओ गल नहीं, जिन्हां ने गुरु अंगद देव दी संगत कीती ओह कहण जी बाबे अमरदास, गुरु अमरदास विच ओह चीज नहीं भावना, पर धन बाबा बुढ़ा जिन्हें गुरु नानक तो सिखी प्राप्त कीती, ओही शरदा गुरु नानक ते, फिर आप दे हथी तिलक लाया भाई लहने नू, ओही शरदा गुरु अंगद देव ते, अपने हथी तिलक ला के ओही शरदा गुरु अमरदास ते, अपने हथी तिलक गुरियाई गद्दी दा ला ओही शरदा गुरु रामदास ते, हथी तिलक लाया ओही शरदा गुरु अर्जन देव ते, ओह हथी तिलक लाया ओही शरदा गुरु हरगोबिंद महाराज ते, ते कमाल दी बात, छियां गुरुआं दी संगति नहीं कीती बाबे बुढ़े ने, आ सिखां दे गुरु अज कौन ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले हड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी ने। अज मैं गुरु के ग्रंथियां नूं, गुरु के वजीरां नूं इह बेनती करांगा कि जिथे आपां 400 साल गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला प्रकाश दिवस मना रहे हो ना, उथे 400 साल ग्रंथी दिवस भी है, गज के आखो सतनाम, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी पहले हड ग्रंथी सी हरिमंदर साहिब दे, तो महापुरख बाबा बुढ़ा जी, वो समा आया बाबे दी बीड़ रौनका लगियां, बाबे दी बीड़ ते साध संगत जी, फिर रामदास आके जद शरीर छड़ना सी छेवें पातशाह नूं याद कीता, आ गए छेवें पातशाह, ते छेवें पातशाह ने फिर बाबा जी दा अंत समा सांभिया, चंदन दी चिखा चिणी, शनान कराया, वस्त्र पवाए, ते आप बाबा बुढ़ा जी दा संस्कार कीता छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज ने। तो धन बाबा बुढ़ा जी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरख, जिन्हों ब्रह्म ज्ञानी, ये नहीं कि अज तक कोई डिग्री नहीं लैनी पैंदी, आपे ही संत बन गए, आपे ही ब्रह्म ज्ञानी बन गए, आपे ही बाबे बन गए, पर बाबा बुढ़ा जी नूं डिग्री गुरु अर्जन देव ने दिती है, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बाबा बुढ़ा जी नूं जे पुत्रां दा दानी आखिया ते गुरु अर्जन देव ने आप आखिया है, तो ऐसे महापुरख नूं करोड़ां वार साडी नमस्कार है, मेहर करन। तो मेरी सब संगत नूं बेनती है, बाबा बुढ़ा जी दे दर ते अमृतसर जाओ, उथे दीदार करो, उथों फिर कोई बहुते किलोमीटर नहीं, 10-15 किलोमीटर पैंदा है बाबे दी बीड़, उथे जाओ, मिस्से प्रशादे लेके जाओ, जिवें आप जी नूं बेनती कीती है, बाबा नम सिंह कलेरां वालिया ने ओह मर्यादा सांभी, पक्के पकाए प्रशादे आउंदे ने नानक सर कलेरां दी धरती ते, लखां लोक आउंदे, कोई भुखा नहीं जांदा, तो साध संगत आओ, इस मर्यादा नूं सांभिया बाबा नम सिंह ने, साधुआं दे दर ते पक्किया पकाया प्रशादा पाणी, तो आओ, सब नूं बेनती है, बाबा बुढ़ा जी एक बार जरूर जाके दर्शन करो, बाबे दी बीड़ और रामदास दी पावन पवित्र धरती जिथे बाबा बुढ़ा जी दी समाधां स्थान है। एनियां बेनतियां करदा दास खिमां दा जाचक है, ये कृपा रहमत आशीर्वाद महापुरख बाबा कुंदन सिंह जी महाराज नानकसर कलेरां वालियां दी,
धन्नवाद है टी श्री कंपनी दर्शन कुमार जिया का, प्रीतम प्रकाश जिया का, जेड़े ये संदेशा घर घर बाणी का महापुरखा गुरुआं की वडियाई घर घर पहुँचाते हैं, तो इन्हों स्थान के दर्शन सानू घर बैठिया वीडियो सीडिया राही कराते हैं। धन्नवाद है भुला चुका की खेमा। आओ बाबा बुढ़ा जी के गुण गा के समाप्ति करिए। बाबा बुढ़ा जी कृपा करियो, मेहर करियो। धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, 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 धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार, धन धन बाबा बुढ़ा जी तेरी महिमा अपर अपार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।